तो भाई से अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स का हमने रेट पूछा, जो कि इंडिया में करीब करीब 1,50,000 रुपए का, यहाँ पे भाई ने बताया 2 मिलियन दिनार्स का पड़ेगा। 10, 5, 1, 16 तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हसन फैज, जिसको आप इस चैनल पे बखूबी हसन फैज ब्लॉग्स के नाम से जानते हैं। व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैनुल अला आबिदीन स्ट्रीट में, और सामने आप मेरे देख सकते हैं यही अपना होटल है। और ये वाला ब्लॉग बहुत छोटा होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ में अपने भाई हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ का नेट रिचार्ज कराने और सिम लेने के लिए, और करेंसी भी एक्सचेंज कराएंगे। आपको अमाउंट बताऊंगा इन दिनों का और नॉर्मल डेज का भी, और आपको सिम के बारे में सारा प्रोसीजर बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, छोटा सा व्लॉग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सामने आप देख सकते हैं तो ये एक चौक है, और ये वाला सामने होटल देखें, नजफ 2 होटल। ये इस तरफ से हमने राइट टर्न लिया है, यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं, कपड़ों की है, शॉप्स हैं कॉस्मेटिक्स की। इनके नज़दीक जितने भी इलाके हैं वहाँ आपको मार्केट ही मिलेगी। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये हमारे भाई हमें लेके जा रहे हैं। पहले मैंने जो रिचार्ज कराया था वो 8 GB का कराया था, लेकिन यहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए अब मैं अनलिमिटेड 7 डेज का रिचार्ज कराने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा भी। और ये वो शॉप है, इस तरफ आप देख सकते हैं नजफ 2 होटल के इस तरफ सामने की तरफ ये शॉप है। सिम कार्ड ये सब लिखा हुआ है, तो अंदर चलता है। ये राकी भाई है जो कि सिम दे रहे हैं। ये सामने मुंतला भाई है अपने, ये सामने आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो हमें रिचार्ज बताया है मेरे सिम में, वो यहाँ के 12,000 रुपये का बताया है, और अगर हम न्यू सिम लें तो 15,000 रुपये रिचार्ज प्लस सिम, न्यू सिम वो बैठेगा। तो रिचार्ज ही करा दें ये बेस्ट है, और इसी में फ़ायदा है, क्योंकि फिर हम सिम निकालेंगे और फिर दोबारा एक्सचेंज करेंगे और अमाउंट भी ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए एक शॉप है। तो अब भाई रिचार्ज करेंगे, इसके बाद मैं आपको करेंसी अमाउंट भी बताऊँगा। जो कराने वाला हूँ वो 1,000, बाकी मैंने पहले से करा ली, और कल से अरबईन वॉक है तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं करेंसी एक्सचेंज कराना, क्योंकि जो अब मैं शॉपिंग करूँगा थोड़ी बहुत वो करबला जाकर करूँगा। तो बाकी तो हैं 1,000 रुपये एक्सचेंज कराने, आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। 1,000 इंडियन रुपीज़ के ये यहाँ के 16,000 रुपये दे रहे हैं, अपना 1 रुपया यहाँ पर 16 दिन। तो भाई ने जैसा बताया इंडिया का 1 रुपया यहाँ पे 16 दिनार बैठेगा, तो हमें 1,000 कराने हैं तो 100 और ये 16,000 बैठ। हजार उसका रिचार्ज है, अमाउंट है रिचार्जिंग का, और 2,000 रुपये इनका चार्ज है। तो इससे अच्छा मैं न्यू सिम ले लेता हूँ, क्योंकि वो 15,000 का है, सिर्फ 1,000 का फर्क है। ये अपने हाथ में गांधी जी आ गए, अब गांधी जी जा रहे हैं, और कुछ ऐसी करेंसी होगी देख लो भाई। ये 1,000 रुपये का नोट है, और ये देखो ये 5,000 रुपये का नोट है, और ये 10,000 रुपये का नोट है भाई। 25-25,000 रुपये के नोट होते हैं यहाँ पे। ये 16,000 रुपये 1,000 के बदल में हमें मिले हैं। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इस वीडियो को गलत मत लेके जाना कि भाई 16,000 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ अमीर हो गए और लखपति हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। खर्चा उसी हिसाब से यहाँ होता है, और बल्कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं इंडियन रेट के हिसाब से भी, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। तो भाई से अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स का हमने रेट पूछा, जो कि इंडिया में करीब करीब 1,50,000 रुपये का, यहाँ पे भाई ने बताया 2 मिलियन दिनार्स का पड़ेगा, अप्रॉक्स 2 मिलियन दिनार्स, यानी बिलीव इट। और भाई सर्च कर रहे हैं एक बार और कंफर्म कर रहे हैं, तो ये बैठेगा 2 मिलियन दिनार 1,30,000 रुपये लगभग। ये देखें आप, अभी आपके सामने कर रहा है 1,28,595.01 मिलियन, आपको पूरा अमाउंट बता दिया। तो भाई अमाउंट बड़ा लगता है सुनने में, और मैंने बताया आपको
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया से भी महंगी हैं। ये सिम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं। और ये जो देखो इस तरफ भाई, ये 25,000 रुपए का नोट है, ये वाला। ये देखिए, ये तो मेरा इंडियन एयरटेल सिम है और मेरा दूसरा सिम ये है, ये जो लगा हुआ है इसमें। तो एयरटेल वाला सिम मैंने निकाल लिया है, ये देखो एयरटेल 4G। वीडियो हो चुका है कंप्लीट, हम शॉप से बाहर आ चुके हैं और सिम हमने एक्टिवेशन करवा लिया है। बस घर जाके मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको नॉलेज दी है और सिम के बारे में सारा नेट प्रोसेस बताया है और आपको गलत फहमियों से दूर कराया है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई हम तो वहाँ लखपति हो गए, हम तो वहाँ करोड़पति हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के खर्चे भी उसी तरीके से हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।